चंद्रपुर के निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार का आज दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को भाजपा में प्रवेश। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्षा नम्रता ठेमसकार ने भी भाजपा में किया प्रवेश। चंद्रपुर विधानसभा के लिए भाजपा से किशोर जोरगेवार के नाम अधिकृत घोषणा। चंद्रपुर आज रिपोर्टर न्यूज़। पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों को हराने वाले निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार आखिरकार बीजेपी में शामिल हुए। किशोर जोरगेवार चंद्रपुर से भाजपा के उम्मीदवार है। किशोर जोरगेवार के पीछे पूर्व सांसद हंसराज अहिर का समर्थन मिला। चंद्रपुर के निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार ने वने और सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। विधायक किशोर जोरगेवार आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें बीजेपी ने महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया है। कल वह बीजेपी महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। आपकी राय क्या है, क्या एससी कैंडिडेट चंद्रपुर में कोई नेता? देखिए, जोरगेवार जी का भाजपा में प्रवेश का अर्थ है कि वो घर वापसी और वो विचारों से ही बीजेपी के थे। किसी अन्य कारणों से उन्होंने भाजपा में कुछ छोड़ने की नौबत आई थी, चुनाव जीते, उनकी ताकत है, उनकी लोकप्रियता भी है और उनका भाजपा पर विश्वास भी है, भाजपा नेताओं पर विश्वास है। ये स्पष्ट करते उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दे, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, पक्ष प्रवेश करना चाहता हूँ। पार्टी के नेताओं ने प्रवेश दिया है, सम्मान से दिया है, हम उसको सम्मान से रखेंगे, चुनाव में सीट मिलेगी, जीता भी देंगे, जनता से आह्वान करेंगे, वो जीतेंगे, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा, हमारे कार्यकर्ताओं। चंद्रपुर विधानसभा के विधायक जो अपक्ष चुनकर आए थे श्री किशोर जोरगेवार जी और महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रखर वक्ता नम्रता ताई ठेमसकर, ये दोनों ने अपने आसन के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। ये एक परिवार है, इस परिवार में ये दोनों का उनके कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और मेरा विश्वास है कि वो चंद्रपुर जिले की छह विधानसभा महायुति की भारतीय जनता पार्टी की हम जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी शक्ति के साथ जनता के मन में विकास का विश्वास पहुंचाने में कामयाब होंगे और मेरा विश्वास है दीन दुर्बल शोषित पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करना यह हमारा राजकीय धर्म है। सेवा धर्म के माध्यम से हम लोगों के दिल जीतने का काम करेंगे।